के मुकाबले में भोई जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल नारंगी कलर की पोशाक में रोहित बात करें जीएस ब्रदर, बिल्कुल लाल सफेद कलर की बॉर्डर पर खेलता हुआ वही बात करें जीएस नेत्रादी। पांच के राउंड के मैचेस में इन्होंने दो गोल की एक मजबूत पच के साथ इस सेकेंड मैच को यहां खेल रहे हैं, जो कि फर्स्ट राउंड में एक बहुत बड़ी टीम टिकटॉक इलेवन जैसी टीम को पराजित कर अब सेकेंड राउंड के लिए आप अपनी जगह को सुनिश्चित किए हुए हैं। अब बनाए मछली के पास बॉल और भी बनी हो अखर में डिफेंडर के पास बॉल और सुंदर क्लियरेंस अपने साथ क्लियर और हमारे साथ साथ में यह भी जानकारी बता दें यहाँ जो अभिमन्यु मातो है इसी टीम से हमेशा बन के रखने हैं, कल भी इसी टीम से खेल करके आए हैं और आज आपस में भिड़ंत हुआ है दो टीमों के बीच तभी अच्छे से खिलाड़ी हैं दोनों टीम के जितने भी प्रशंसक हैं सब लोग एकदम बन जाएंगे। और आज का दिन हम समय पर सही समय हम खिलाना चाहेंगे, हालांकि हम आधा घंटे के लेट से चल रहे हैं और इस तरह का विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो तमाम जितने भी टीम के फाइनेंसर कैप्टन विशेष रूप से ध्यान देंगे, हम अपने टीम को दो मिनट पहले हमारे इस रेफरी मैच के समय पर लाने की कृपा करेंगे। जितने भी प्रदर्शक हम लोग आए हैं मैच को आसानी से देख रहे हैं और थोड़ा सा पीछे होकर के मैच को देखने की कोशिश करेंगे। या संजय बचत के बीच में जाकर प्लेट के खेल चल रहा है और सेकंड राउंड का अंतिम मैच है हमें से जीएस बचत नेत्रानी और वही बीच से सीकेपी वही बीच से सीकेपी की बात करें हमारे मुख्य मत से बाइक की दिशा में और हमारे प्रेसर ने भी बाइक की दिशा की इनका प्रेसर अच्छा को पोल कलच का दोनों ही टीमों ने अभी पूरी तरह से प्रेसर में है हाई वोल्टेज का मुकाबला चलता हुआ पहले हफ्ता मैच चल रहा है मतलब हुआ नहीं है अब तक
और देखें दोनों की टीम काफी बेहतरीन मैच खेला है और बेहतरीन मैच खेलने के बाद भी एक दूसरे टीम के लिए किसी प्रकार के स्कोर नहीं बना पाए। स्वागत है माइक्रोफोन पर कैप्टन बोलरा जी। इसे चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश मदद चाहती। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। आज हॉलैंड स्पोर्टिंग क्लब एवं आदिवासी उच्च विद्यालय टोकरों के हाथों के संयुक्त तत्वाधान में जो त्रिवासी फुटबॉल प्रतियोगिता की मेगा महासंग्राम जो है आयोजित कर रही है विकास फाइनल समारोह वाले अब आज दोपहर 20 सेकंड राउंड के जो ये मैच मैदान के अंदर काफी खूबसूरत तरीके से चल रही है। टीम में बता दूं वही डीसी सीकेपी और इनकी प्रतिद्वंद्वी टीम है जीएस वर्सेस लेदराड़ी। जाहिर सी बात है इस मैच के बाद आज के अगले मुकाबला होंगे और प्लान के तौर पर आप तैयार हैं। देखा जा रहा है सशक्त खिलाड़ी लेकिन लक्ष्य के झटका दुर्गा कहीं ना कहीं टीम के सम्राट है गोपी सोए कुछ हद तक और मुझे अच्छी तरह से याद है चार बॉल गोपीनाथपुर के मैदान में भागा स्पोर्टिंग के नाम से नॉमिनेट कराई थी और अनुमंडल इस टीम से खेल रहे थे लेकिन आप नियति जो है विवश कर दी है इसके खिलाफ खेलने के लिए अनुमंडल नजर आएंगे इसके खिलाफ खेलते हुए। अभी अभी पहले झटका लगी है बच्चों की कांसेंट में साफ अक्षरों पर लिखी है सेकंड आवर से गोल एवरेज देखा लाया कहने ना तो एक गोल हुआ और लम्हा मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता जब जब स्कोर की रफ्तार थी अभी मैंने मैदान अपने टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ चारों के मैदान की लेकिन आज लगातार जारी है अपने के तलाश में दो सारी तलवार दिगंबर कांपे हृदय चलिए हमारे समाज सेवी है समाज के क्षेत्र में बहुत सेवा देते हैं दीपू मरवाई और टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष भी है महिलाओं के लिए खासकर जो छात्राएं हैं विद्यालय के जो छात्राएं हैं अगर आपको पानी पीने है साफ मिनरल वाटर तो देखो अगर के सौजन्य से आपको मिलेगी पांच पैकेज जो है ठंडे बिस्लरी बोतल आ चुकी है सिर्फ छात्राओं के लिए है जो विद्यार्थी है जो आदिवासी उच्च विद्यालय टोकरों इस स्कूल के प्रांगण पर अध्ययनरत है इस छात्राओं के लिए देखो अगर की ओर से ठंडे बिस्लरी बोतल जो है मुफ्त है देखो कह रहे हैं आप गोली नहीं मारेंगे आप पानी भी दे देंगे महिला को निर्भर पर और चलिए देखो का क्या कहना समाज के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहते हैं मैदान के सामने रोबोट गेट कलेक्ट कर रहे हैं इसे साफ लिखा गया है देखो कह रहे और
इसके सौजन्य से एक डोनेट है दान कर रहे हैं सभी शिवसर के खिलाड़ियों को भविष्य के खिलाड़ियों को एक एक नए जर्सी जो है टीकू गगरे ने दी है और इसी के मद्देनजर आज आदिवासी उच्च विद्यालय चपरू की छात्राओं के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिनरल वाटर जो है प्रोवाइड करी जा रही है टीकू गगरे के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है टीकू गगरे जी आज के अगले मुकाबला होंगे तो राम एफसी और सुभाष एफसी किसी प्रकार के विराम लिए हैं फिर बातों का सिलसिला जो है लगातार यूं ही चलते रहेंगे आज मौसम का मिजाज थोड़ी बहुत बदले बदले लग रही है और आज सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं के लिए महिला दर्शकों के लिए डीकू गगरा जी के सौजन्य से निःशुल्क प्यूरिफाई वाले वाटर जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। इस बार भी गेंद है काफी गति पूर्वक सुनील जी के सौजन्य से ये जल जो है महिला दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और प्लस पॉइंट ये है कि मैदान के सारों जो गोल बस घूम रहे हैं गेम को लाने में टीकू गगरे जी ने डोनेट करी है दान करी है घंटे टीएस स्टूडियो साथ ही साथ प्रज्ञान केंद्र भी है मनी के अंदर विड्रॉ करनी है डिपोजिट करनी है मनी ट्रांसफर करनी हो फोटो रूपये निकालने हो फोटो से फोटो निकालना हो तमाम जो डिजिटल काम है आप दिनेश स्टूडियो में जाकर कर सकते हैं और अच्छे खासे डोनेटर भी हैं मुझे अच्छी तरह से याद है चरण विषय इस्लाम जो है मुझे भी दिनेश स्टूडियो का सौजन्य से टी शर्ट मिली थी मैं उम्मीद कर रहा हूँ या तो देखो दिनेश के माध्यम से इस बार मिलने वाली है और देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट है जो वोल्टेज को छोड़कर के जो वॉलंटियर हैं हमारे इस क्लब के सभी सदस्य वॉलंटियर हैं जो वॉलंटियर के तौर पर कार्य को कर रहे हैं निष्पादन कर रहे हैं आज ऑरेंज कलर के जर्सी पर जो जर्सी हुए जो वॉलंटियर देख रहे हैं दिगंबर एंड विजय नो आर्गुमेंट दिगंबर पार्टी एंड विजय वो नो आर्गुमेंट विद श्री प्रेफरी आप कैमरे की निगाहें में है इतने अच्छे खिलाड़ी है उम्मीद करेंगे अपने इमेज को आप दाग ना लगने दें और साथ साथ में जब जिस प्रकार की हम सभी कहते हैं कि बीवर का भी काम होते हैं और आज इस मेला के अंदर पर कुछ समय के बाद में ड्रोन कैमरे का भी आगमन होगा राहुल कल्को जी राहुल ठाकुर जी लेकर के आएंगे आज ड्रोन कैमरे का भी आगमन होगा कुछ क्षण के बाद और सभी मेला में अंतर्गत किसी प्रकार का अगर गुच्छे भी चलेंगे किसी प्रकार का अगर गलत चलेंगे या सही चलेंगे वो सभी को सीधी सी ड्रोन कैमरा में कैद करेंगे। चलिए रोमांच के मैच आ रहे हैं क्योंकि आगे या टीम चल रहे हैं जीएस वर्सेस वैदराली प्रथम चक्र के अगर मैच की बात करें सुरेश सदर जैसे खिलाड़ी के पसंदीदा पहलों से जाटा जी दो स्कोर तगड़े में सफल होता वो बड़े टीम के साथ टिकटॉक इलेवन सीकेपी भले ही आज बिगेस्ट ब्रदर्स बी के नाम से आए थे लेकिन तमाम खिलाड़ी टिकटॉक इलेवन सीकेपी के थे। ओह माय गॉड क्या भव्य मंजर देखा गया था और मुझे काफी अफसोस है कि मैं इसके पिछले मैच को देख नहीं पाया। असल खैर तुराम ने इससे और आप है सुहास से गाड़ा कुटी कमर कस लेंगे मैदान के करीब आने के लिए गोपी सोए फुटबॉल के सत्र का एक मॉडल वो पांच क्षेत्र से काम करके मशीन मशीन से वंस अगेन गोपी के पास गेंद पहले गोल आता है दुर्गा है ब्रह्म गोल की तलाश में मैंने
वंस अगेन फिर एक बार कंट्रोल पर गेंद है वही बीसी विजय बॉम्ब के लिए अच्छे पास रेफर करिए यार पास और खूबसूरत से हेडर विजय बॉम्ब की आई है और गेंद को बिल्कुल परोस दिया गया है मंगल के लिए वंस अगेन गेंद के साथ जर्सी नंबर 6 सोमाई नाम रही और टर्न लेते गेंद दिगंबर पापी को ढूंढा गया दो थारी तलवार गेंद के ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी थ्रो इन करने का मौका मिलेगा अभिमन्यु में तो जो आरव स्पोर्टिंग के